गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3 मैथ्स क्लास। आपने 1 to 4 क्वेश्चंस बना लिए होंगे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज में से। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 15 और 16 पे एक्सरसाइज का नंबर नहीं है, पेज नंबर 15-16 पे आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, काउंटिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन ये होता है जिसपे एक के बाद एक स्किप करता है नंबर। तो 1, 2, 3, 4 जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स में हमको स्किप करना है और नंबर लाइन पे लिखना है। स्किप काउंट बाय 1, 1, 1 आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे 1000 है, उसके आगे होगा 1001, नेक्स्ट होगा 1002। 1 से स्किप करना है इसको, एक एक आगे बढ़ते जाना है आपको। 1001, 2 के बाद 1003, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। 1004, 1005 और लास्ट में आपका, अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पे 1000। अब यहाँ पे 2 जीरो नहीं होके 1010 होगा, 1010 इस तरह से होगा। और इसी तरह से यहाँ पे और भी जो नंबर होंगे, मान लीजिए यहाँ पे 4435 से आपका स्टार्टिंग है, तो आप मान लीजिए 4435 स्टार्टिंग दे रहा है, तो एक नंबर और आगे बढ़ेंगे तो 4436 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका 4437, इस तरह से आप इसको आगे बढ़ते जाओगे। 39, 40 इस तरह से, और जब लास्ट में 999 होता है तो यहाँ 5 हो जाता है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको पता चलते जाएगा। तो ये नंबर लाइन पे आपको लिखना है, ये बुक में भी लिख सकते हो या अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करके लिख सकते हो। नाउ ये भी स्किप काउंटिंग है, लेकिन ये टूज में है, यानी 2-2 स्टेप आगे बढ़ना है। इसमें 1-1 स्टेप आप आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे 2-1 बीच का छोड़ देना है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ना। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर आपको दिया गया है 8830। अब इसके बाद 8839 होना चाहिए, लेकिन हमको स्किप काउंटिंग करनी है। यहाँ पे 2 के दूसरा नंबर लिखना है, मतलब एक बीच में छोड़ देना है। तो 8339 ना लिखे, हम लिखेंगे 8840, फिर 42 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 8842, 41 छोड़ देंगे, फिर 8844 लिखेंगे। इस तरह से 2-2 के हिसाब से हम काउंटिंग आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से स्किप काउंटिंग करेंगे। ये भी इसी तरह से है 6020, लेकिन स्किप काउंटिंग यहाँ पे आपका है 2s, तो हम 2 इसमें 2 जोड़ देंगे। ऐसे भी हो सकता है इसमें 2 ऐड कर देंगे, या फिर आप गिन के भी लिख सकते हैं उसको, एक बीच में छोड़ देंगे। 6020 छोड़ देंगे और 6022 लिखेंगे इसको, 21 छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 22। इसी तरह से 6024 लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पे 26, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जितने आपको यहाँ पे कॉलम डैश दिए गए हैं उसको आप फिलअप कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्किप काउंटिंग इन 3s। अब इसको 3-3 आगे बढ़ना है, 3 स्टेप आगे बढ़ना है, यानी बीच के 2 नंबर्स को छोड़ देने हैं। यहाँ पे 6000 है, तो 6001, 6002 छोड़ दिया गया है और सीधे आ गया है इसमें 3 जोड़ के, यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो 6003, फिर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6006, उसके बाद फिर 3 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6009, इस तरह से आप 6012, इसके बाद हो जाएगा आपका 6012। यहाँ पे 4 ही अंक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है। ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे 2 जीरो के बाद 10 लिख दो या 12 लिख दो, तो 6000 में ही रहना चाहिए, तो 6012। इस तरह से इसको 3-3 के हिसाब से काउंटिंग करते जाएंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, उसमें भी ऐसे ही स्किप काउंटिंग दिया गया है। 5 का स्किपिंग है, कहीं पे 20 से स्किप किया गया है, कहीं पे 10 से, जिसको आप ऐड कर करके आप लिख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो वो 3 क्वेश्चन भी आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट है 11 नंबर, इसमें ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न को देखना है कि कितने के बाद काउंटिंग किया गया है और उसके हिसाब से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पे देखिए 3600, फिर 3603, यानी बीच का 2 छोड़ दिया गया है, 2 नंबर्स यहाँ पे स्किप किए गए, यानी 3 ऐड कर दिए, फिर इसमें 3 ऐड कर दिए तो 3606, जैसे ऊपर बताया गया स्किपिंग वैसे यहाँ पे स्किप करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3033 यहाँ पे स्किप कर रहा है, बीच में 3 गायब है। ये आगे चल के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चंस आपके काम आते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना, पैटर्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 3606, इसके बाद आ जाएगा 3609, इसके बाद आ जाएगा 3612, इसके बाद आ जाएगा 3650। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है, बाय स्किपिंग काउंटिंग इन, अब ये कैसे काउंट कर रहे हो आप, मतलब स्किप कैसे कर रहे हो, तो थ्रीज
थ्रीज में हम स्किप कर रहे हैं, थ्री थ्री स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1742, 1743, यानी यहाँ स्किपिंग वन का ही हो रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ 1744 है, तो यहाँ 1745, यहाँ पे 1746, यहाँ पे 1747। और ये तीन कॉलम फिल करने के बाद हम यहाँ पे आपको बताना है कि ये स्किपिंग किसकी हुई है, तो वन की। यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं, एक एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, तो यहाँ वन की स्किपिंग हुई है, तो हम लिखेंगे वन। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट क्वेश्चन इसका बना लोगे, ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया और पूरा बना लोगे। ये इस कॉपी को आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क दिया जा रहा है और आप बुक में भी बना सकते हैं। थैंक यू।